Hi everyone, दिस इज अनम वेलकम टू PhD Jobs and जॉब्स एंड एडमिशन आज के सेशन में मैंने इग्नो के 2018 के सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे ऑन रिसर्च मेथेडोलॉजी फॉर अपकमिंग इग्नो पी एच डी एंट्रेंस एग्जामी ट्वेंटी एंड 2022. मैं अपने चैनल पर रेगुलरली इग्नो के पी एच एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ इन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलता है क्योंकि आपका एक्चुअल एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि इग्नू ने अपने पी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड कर दी है सो आप इस टाइम को इफिशियंटली यूटिलाइज करिएगा और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने रिसर्च मेथेडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और मैसेज करने के विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल

हमने ये स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रिपेयर करा है जैसे कि हमारे जो नोट्स है नोट्स में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं उसको हाईलाइट कर कर बताया है और आपकी जो प्रैक्टिस होंगी इस मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो so, मैं आपको गारंटी देती हूँ इन फोर टू फाइव डेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी है हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आपको सारा सेक्शन बी के लिए लगाना है जो सेक्शन बी होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टडी मटेरियल यूज करिए इन केस आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है सेक्शन बी के लिए सो तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो so, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है याद रखें आपको व्हाट्सअप ही करना है नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एप एंड द फीस फॉर दर्सेज फोर जस्ट नाइन ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है फर्स्ट स्टेप में आपको हमारे ऐप आप को डाउनलोड करना है ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर यूजिंग योर रजिस्टर सेकेंड स्टेप में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है जैसे यहाँ पर है इग्नू पेट तो आपको सर्च बार में टाइप करना है इग्नू पेट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप हमारे कोर्स को इजिली एक्सेस कर सकते हैं एंड लेट्स बिगिन विद विदीडियो फर्स्ट क्वेश्चन रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन इस क्वेश्चन में आपका जो रिसर्च का वर्क है काम किया है सो रिसर्च पेपर में आपका जो भी आपके रिसर्च का वर्क होता है वो कौन से डेटा पर बेस्ड होता है हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है सो रिमेंबर रिसर्च में दो टाइप का डेटा होता है एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा अब प्राइमरी डेटा क्या होता है प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें रिसर्चर डेटा को खुद जनरेट करता है जैसे क्वेश्चन के थ्रू सर्वेस के थ्रू इंटरव्यूज के थ्रू ऑब्जर्वेशंस के थ्रू इन सारे मेथड्स uh, के थ्रू रिसर्चर खुद डेटा को जनरेट करता है तो so, वो आपका आ जाता है प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा क्या होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करता है जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है ऑलरेडी जो अवेलेबल डाटा होता है उसी को रिसर्च अपने रिसर्च में यूज करता है अब ऑलरेडी पब्लिश होता हो सकता है आर्टिकल्स में जर्नल्स में न्यूज़पेपर्स में ओके okay? जैसे सारे में आपकी जो इंटरनियंस के थ्रू आप डाटा uh, लेते हो तो वो ऑलरेडी पब्लिश डाटा होता है तो वो आपका हो जाता है सेकेंडरी डाटा तो प्राइमरी डाटा व्हाट डाटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करता है और सेकेंड डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करता है बल्कि ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है उसको हम कहते हैं सेकेंड डेटा अब रिसर्च पेपर में रिसर्च अपनी वर्क में जब रिसर्चर रिसर्च research करते हैं तो रिसर्चर प्राइमरी डेटा का यूज करते हैं एज वेल एज सेकेंडरी डेटा का भी प्राइमरी डेटा जो रिसर्च research में रिसर्चर ने खुद जनरेट किया होगा और सेकेंडरी डेटा मतलब रिसर्चर ने जो टॉपिक पर रिसर्च करते हैं रिसर्चर कुछ पुराने रिसर्चर का आर्टिकल्स उनका कुछ कंटेंट यूज करा होगा तो रिसर्च पेपर में दोनों भी टाइप का डेटा इन्वॉल्व होता है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो रिसर्च पेपर में दोनों भी टाइप का डेटा होगा आपको याद रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो रिसर्च वर्क करते हो रिसर्च में आप जो भी टॉपिक पर रिसर्च करते हो तो आप रिसर्च का वर्क आपका सारा रिसर्च पेपर में बताते हो सो so रिसर्च पेपर में आप दोनों भी टाइप का यूज करोगे डेटा प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सो so यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सैंपल इज लाइकली टू इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपने आपके सैंपल्स का साइज इंक्रीज कर दिया तो so उस केस में अब सैंपल साइज क्या होता है जैसे आपको पता है पॉपुलेशन का जो होता है वो आपका सैंपल होता है ओके okay? और सैंपल साइज क्या होता है कि आप कितने सैंपल्स चूज करने वाले हो अगर आपके मान लो पॉपुलेशन में टोटल टो मेंबर्स है

पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिकेशन अब मान लो फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं सैंपलिंग एर इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन मतलब पॉपुलेशन का जो मीन है अपने समझ लो पॉपुलेशन की आप हाइट मेजर कर रहे हो सो so, एवरेज लोगों की हाइट कितने के कितने के बीच में आ रही कितने इंचेस uh, है एवरेज लोगों की हाइट फाइव इंचेस आ रही है सो so, उसका मीन माइनस सैंपल्स का मीन ओके okay? अब मान लो इस केस में अपने हंड्रेड मेंबर्स uh, है पॉपुलेशन में उनका एवरेज हाइट फाइव इंचेस है और आपने जो सैंपल लिया है उस केस में सैंपल का जो एवरेज आ रहा है इस केस में जो मीन आ रहा है मीन का मतलब ही एवरेज होता है जो मीन आ रहा है उसमें आपके आ, आ रही है वैल्यू एवरेज मेंबर्स की जो हाइट है उनकी वैल्यू आ रही है 4.5 मतलब का ही डिफरेंस है ओके तो यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस है सैंपल्स के मीन में एंड पॉपुलेशन के मीन में बहुत कम डिफरेंस है मतलब अगर आप जितनी ज्यादा सैंपल साइज लोंगे उतना ज्यादा आपका एरर सैंपलिंग एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे So, यहाँ पर आपका जो सैंपलिंग एरर है एरर्स मतलब uh, कम हो जाएंगे एंड नेक्स्ट पार्ट गिव एन ऐप बट इंक्रीज नॉन सैंपलिंग एरर नॉन सैंपलिंग एरर नॉन सैंपलिंग एरर होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए नॉन सैंपलिंग एरर मतलब जब आपका सैंपल से आप डेटा कलेक्ट करते हो कलेक्ट करने के टाइम पर जो एरर होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन सैंपलिंग है डेटा कलेक्ट करने के टाइम जैसे आपने यहाँ आप पर आपका so, सैंपल है, है जैसे आपने जो आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है जो डेटा मिल रहा है आप उसको क्या करोगे एक टेबल में फिल करते हो सारी इंफॉर्मेशन अब उस टेबल में आप जब इंफॉर्मेशन फिल करोगे क्या होगा आपसे जो बहुत ज्यादा डेटा है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाएंगी एरर्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से आपको जो आ, इंटर करना है डेटा उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो जाएंगी अब रिस्पोंडेंट से एरर हो सकता है मतलब रिस्पोंडेंट जो एरर कर रहा है समटाइम्स आपने उसको रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया होगा बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको तो जितना ज्यादा आपका सैंपल्स का साइज होगा याद रखिएगा उतना ज्यादा आपका नॉन सैंपलिंग एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे तो पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज अगर जितना ज्यादा आपका सैम्पलिंग सैंपलिंग uh, का साइज होगा उतना ज्यादा आपका सैंपलिंग एरर्स डिक्रीज हो जाएगा और जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा ही आपके जो नॉन सैंपलिंग एरर्स होने के चांसेस हो जाएंगे दैट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डिक्रीज सैंपल सैंपलिंग एरर्स बट इंक्रीज नॉन सैंपलिंग एरर्स नेक्स्ट सेटिंग कोटास फॉर हार टू रिच रिस्पोन्डेंस इज वन वे टू मिनिमाइज डैश बाइस

जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है ये बहुत इजी टू अवेलेबल नहीं है इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे पहले से ही कोटा फिक्स कर लेंगे मतलब मान लो रिसर्चर ने कुछ रिसर्चर के पास हंड्रेड सर्वेस के पेपर्स है सो तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे पहले से ही कोटा सिलेक्ट कर लेंगे कि ऐसे लोग जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है उस केस में रिसर्चर करेंगे ऐसे लोग जो हार्ड टू रीच है जो मुश्किल से जो इजीली अवेलेबल नहीं है उनको मैं सिर्फ दस परसेंट लोगों को ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा और जो बाकी रिमेनिंग 90% परसेंट लोग है वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा जो इजी टू अवेलेबल है जिन तक पहुंचना बहुत इजी है सो so, ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे तो so, इस केस में रिसर्चर का क्या कर रहे हैं ऐसे लोग जिन तक रिसर्चर को जिन तक रिसर्चर को बहुत है, वो ले रहे हैं so, क्या हो जाएगा जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हार्ड हाँ टू रीच है मतलब बहुत मुश्किल से मिलेंगे ये लोग तो ये जाहिर सी बात है कि इनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो इस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमाइज कर दे रहे हैं स नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है ऐसे रिस्पॉन्डेंट जिनसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है so, उसको कहेंगे so, इस केस में researcher bias को कर कर दे दे रहे, रहे। उनको कम आपका ऑप्शन डी नॉन रिस्पॉन्स बायस नेक्स्ट डिटेल्ड एंड आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा सर्वे होता है ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें डिटेल में और का मतलब होता है क्लियर, क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि जो रिस्पोंडेंट्स है वो इजीली उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कर सके ऐसा कौन सा मेथड होता है सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए इंटरव्यू एडमिनिस्ट्रेड पर्सनल इंटरव्यूज अब इंटरव्यूवर है मतलब मान लो रिसर्चर है एक रिसर्चर एक एक्सपर्ट uh, से कोई पर्सनालिटी है उनसे कोई इंटरव्यू ले रहा है तो पर्सनल इंटरव्यू है तो उसमें अगर uh, जो इंटरव्यू uh, दे रहा है जो रिस्पोंडेंट्स है अगर उनको कुछ क्वेश्चंस है कुछ डाउट है तो वो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं तो so, इस केस में यहाँ पर uh, जो रिस्पोंडेंट्स है उनको असिस्ट करने के लिए इंटरव्यूअर है सो so, इस केस में इतना डिटेल में और क्लियर में इंस्ट्रक्शन रिसर्च प्रोवाइड नहीं करेंगे सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इन करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी कंप्यूटर असिस्टेंट टेलीफोन सर्वे एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यूज अब यहाँ पर क्या हो रहा है टेलीफोन सर्वे और पर्सनल इंटरव्यूज कराया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू तो क्या हो रहा है अगर आप समाइम्स अगर आप कोई क्वेश्चन फिल करते हो तो कभी कभार आपको कंप्यूटर भी असिस्ट करता है तो इस केस में अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ डाउट है तो आपको कंप्यूटर भी असिस्ट करता है तो so, यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं होती कि डिटेल और क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए रिस्पॉन्डेंट्स को तो so यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन अब बच गया आपको ऑप्शन सी मेल सर्वे so, मेल सर्विस में क्या होता है रिसर्चर डिटेल में और क्लियर रिस्पोंडेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो क्वेश्चन को इजीली फिल कर सके क्योंकि मेल सर्विस में क्या होता है ना ही यहाँ पर रिसर्चर होते हैं ना ही यहाँ पर कोई कंप्यूटर होता है जो उनको असिस्ट कर सके जो रिस्पोंडेंट्स को असिस्ट कर सके मेल में उनको एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप ये फिल कर कर सेंड कर दीजिए तो so, इसमें क्या होता है जो रिस्पोंडेंट है उनको असिस्ट करने के लिए कोई नहीं होता है इसलिए मेल सर्वेस में उनको डिटेल में और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है ताकि वो इजीली उन क्वेश्चंस को फिल कर सके और बाद में रिसर्चर को वो जो क्वेश्चन है जो उनका रिस्पॉन्स है वो सेंड कर सके तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेल सर्वे ऐसे सर्वे होता है जिसमें रिसर्चर डिटेल में और क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि उन को फिल कर सके दैट्स आप आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेल सर्वे नेक्स्ट एलिमिनेटिंग सर्वे ड्यू टू मेनी क्वेश्चन बीन लेफ्ट ब्लैक इज रिफोर्ड टू एस इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है हमें फाइंड आउट करना है कि डेफिनेशन किस डिलीशन की डेफिनेशन होंगी जो इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि जो रिस्पोंडेंस का रिस्पॉन्स होता है अगर मान लो एक फॉर्म दिया गया है रिस्पोंडेंस को और उस फॉर्म में रिस्पोंडेंट ने कुछ क्वेश्चन ब्लैंक रख दिए कुछ क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं किया तो इस केस में क्या होता है उनका जो पूरा फॉर्म होता है पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है पूरे फॉर्म को डिलीट कर दिया जाता है तो ये कौन से डिलीशन की डेफिनेशन होंगी सो so, ये आपकी डेफिनेशन होगी केस वाइज डिलीशन की रिमेंबर so, आपको डिलीशन में जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है बस वही याद रखनी है फर्स्ट पेयर पेयर वाइज डेफिनेशन एंड सेकेंड इज केस वाइज डेफिनेशन अब पेयर वाइज डेफिनेशन क्या होती है मान लो आपके पास जो क्वेश्चन है एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री आपके पास ये तीन क्वेश्चन है ओके okay? तो so, आपने क्या करा ये एक्स वन का आपने रिस्पॉन्स नहीं करा अपने इसको ब्लैंक रख दिया लेकिन आपने x2 और x3 को रिस्पॉन्स कर दिया तो इस केस में पेयर वाइज डिलीशन में क्या होता है रिसर्चर इसको इग्नोर कर देंगे लेकिन ये जो x2, x3 क्वेश्चंस होंगे ना आपके उसको रिसर्चर एनालाइज करेंगे उनको देखेंगे उनका जो आपका रिस्पॉन्स है उनको एनालाइज करेंगे उसको इग्नोर नहीं करेंगे बट आपने जिसको ब्लैंक रख दिया जिस क्वेश्चन को उसको कंसिडर नहीं करेंगे और जिसको फिल किया है उसको एनालाइज करेंगे उस क्वेश्चन को उनके आपके रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे लेकिन केस वाइज डिलीशन में क्या होता है अगर आपने X1 का पर आपने जैसे कि सेम एग्जाम्पल इसके भी लिए हम लेंगे एक्स वन का जैसे आपने रिस्पॉन्स नहीं करा आपने इसको ब्लैंक रख दिया लेकिन एक्स टू एक्स थ्री का आपने रिस्पॉन्स किया लेकिन इस केस में क्या कर देंगे रिसर्चो आपका जो पूरा फॉर्म है उसको डिलीट कर देंगे इसको आ, एलिमिनेट कर देंगे सो so, ये होता है आपका केस वाइज डिलीशन का डेफिनेशन so, फिर से एक देख लेते है. है, उसमें आपने कुछ क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं करा उसको ब्लैंक रख दिया तो so, रिसर्च पूरा का पूरा आपका फॉर्म डिलीट कर देंगे उसको एलिमिनेट कर देंगे उसको कंसिडर नहीं करेंगे लेकिन पेयर वाइज डिलीशन क्या होता है कि आपका जो मान लो एक ऑफ क्वेश्चन है है उसमें आपने जो जो को करा है, को करा रिसर्चर्स एनालाइज करेंगे ना के पूरे फॉर्म को डिलीट कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे लेकिन केस वाइज में क्या होता है रिसर्चर अगर आपने एक भी क्वेश्चन को अपने जो भी क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स नहीं करा है ब्लैंक रख दिया तो रिसर्चर पूरे के पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर देते हैं डिलीट कर देते हैं सो so, ये आपकी हो जाएगी केस वाइज डिलीशन की डेफिनेशन सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट

आप किसी भी स्केल को आप किस तरीके से कंपेयर करोगे आप मान लो आपके पास कोई क्वांटिटी है जो सेंटीमीटर्स में है कुछ मीटर्स में है कुछ किलोमीटर है इसलिए so, आप uh, स्टैंडर्डाइज uh, करते हो उस पर्टिकुलर स्केल को आप किसी भी स्केल को स्टैंडाइज स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है स्केल इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का मतलब होता है आपके ऑब्जर्वेशंस, कि आपने क्या ऑब्जर्व करा है आपको जो भी डेटा मिला है वो आपके ऑब्जर्वेशंस होता है म्यू का मतलब होता है मीन जिसको हम एवरेज भी कहते हैं ओके okay? तो स्केल को किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है एक्स मतलब आपके ऑब्जर्वेशन और इस क्वेश्चन के लिए एक्स हम कहते हैं स्कोर आपके पास जो भी डेटा मिल गया आपको वो हो जाएगा आपका स्कोर माइनस म्यू म्यू मतलब मीन और एवरेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम सिग्मा कहते हैं so, पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्या आप मीन में से स्कोर को माइनस करोगे देन डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन सो यहाँ पर आ जाएगा आपका सबस्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम स्कोर एंड

जैसे मतलब इस क्वेश्चन का मैं आपको और इजी वे बताती हूँ और इजी तरीके से समझाती हूँ लोगों ऐसे फीमेल्स पर रिसर्चर को स्टडी okay? करना था लेकिन रिसर्चर ने बाय मिस्टेकली ऐसी फीमेल्स को सिलेक्ट कर लिया जिनकी एज अब थर्टी है लेकिन फोर्टी से कम है तो यहाँ पर रिसर्चर ने जो फीमेल्स को सिलेक्ट कर लिया वो फीमेल्स के इस केस में रिस्पॉन्स करेंगी ये फीमेल रिस्पॉन्स क्योंकि इनको सेलेक्ट कर लिया है लेकिन जो स्टडी का एम था जो स्टडी का टॉपिक था वो तो था रिसर्चर का जो फीमेल्स ऐसे जिनकी एज अब फोर्टी है उन पर रिसर्चर को स्टडी करना था लेकिन इस केस में जो रिसर्चर ने क्या कर लिया ऐसी फीमेल्स चूज कर लिया जिनकी एज थर्टी से ज्यादा है लेकिन फोर्टी से कम है सो so, इस केस में रिसर्चर को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेंगे सो ये आपका हो जाएगा रिस्पॉन्डेड बायस में सो डेफिनेशन गिवेन है जो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवेन है ये हो जाएगी आपके रिस्पॉन्डेड बायस की अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं ऑप्शन ए पोजीशन बायस पोजीशन बायस क्या होता है जिसमें रिसर्चर एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे मान लो इसमें 20 टोटल 20 क्वेश्चंस है अब रिस्पॉन्डेंट क्या करेंगे जो टॉप टॉप के क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से फील करेंगे और जो बाकी के रिमेनिंग है उसको इग्नोर कर देंगे अच्छे से नहीं देखेंगे so, ये हो, so, आपको, आपको so, हो जाएगा आपका पोजिशन बाइस की डेफिनेशन नहीं है सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी लाइफ स्टाइल बाइस अगेन ये लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल मतलब ये कोई लाइफ से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन आपको गिवेन है सो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा तो आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी नॉन नॉन बायस बायस क्या होता है कि आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कुछ ही रिस्पॉन्स ना मिले कुछ ही इन्फॉर्मेशन ना मिले लेकिन इस केस में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है लेकिन जो वो रॉन्ग है ओके okay? आपको यहाँ पर इस केस में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रिस्पॉन्डेड बायस रिस्पॉन्डेड बायस क्या होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो रॉन्ग मिल जाती है और रिसर्चर ऐसे रिस्पोंडेंट को चूज कर लेते हैं जो वो स्टडी के लिए क्वालिफाइड नहीं है सो so, उसके केस में रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रॉन्ग रिस्पॉन्स मिल जाता है सो so, वो आपका हो जाएगा रिस्पॉन्डेड बायस में सो so, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रिस्पोंडेड बायस नेक्स्ट क्वेश्चन ट विच ऑफ द्स इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है अगर आप नॉमिनल डेटा यूज कर रहे हो नॉमिनल स्केल यूज कर रहे हो तो उसको उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिक्स टूल का यूज करोगे रिमेम्बर so नॉमिनल के फॉर्म में नहीं होता है नॉमिनल डेटा में, में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप उनके कैटे कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स के बेसिस पर उनको डिवाइड कर लेते हो उनको कैटेगराइज कर लेते हो So, यहाँ पर आपके पास नंबर्स में नहीं होता है इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मीन मीन तो हम कोई नंबर्स को कैलकुलेट करके एवरेज निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी नंबर्स के फॉर्म में होता है सो so, पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी अगेन रेंज रेंज में भी नंबर होता है सो यहाँ पर रेंज आप निकालते हो किसी चीज का रेंज निकालोगे तो ये भी नंबर्स के फॉर्म में हो जाएगा सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है देन ऑप्शन डी मोड मोड क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें एक ऐसी क्वांटिटी हो कुछ ऐसी वैल्यूज हो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन uh, हो जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है तो उसे हम कहते हैं मोड जैसे नॉमिनल में आपके पास जो भी डेटा होगा वो डेटा में सबसे ज्यादा बार जैसे सेम से मान लो कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के पास इंफॉर्मेशन है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको मेजर करने के लिए आप मोड स्केल का यूज करोगे मोड टूल का यूज करोगे दैट्स वे आपका पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मोड नेक्स्ट अकर्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कब अकर होती है अब मल्टी कोल का मतलब क्या होता है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे मान लो मैं इस केस में मैं एक स्टडी कर रही हूं और मैं ये देख रही हूँ एयर वॉटर विंड टेम्परेचर ये सारे मेरे इस केस में क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैं इफेक्ट देखूंगी कि प्लांट की ग्रोथ पर क्या हो रहा है और प्लांट की ग्रोथ मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि मैं प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रही सो so, इस केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर जब ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक दूसरे से को रिलेटेड हो ये बहुत ज्यादा बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एक दूसरे से हाईली को है हाईली इंटरकोरिलेशन है इनके बीच में एयर वाटर एंड ये एक दूसरे से रिलेटेड है सो so, इस केस में आप ये कहोगे मल्टी कोलिनियरिटी कब आकर होती है जब आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक से ज्यादा हो और इनके बीच में हाई को रिलेशन हो ये एक दूसरे से इनके बीच में हाई इंटरकोरिलेशन होगा तब उस, आप उसको कहोगे इस फेनोमिना को आप कहोगे मल्टी कोल इनिया ओके सो so, पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा देर आर हाई इंटरकोरिलेशन भी देख लेते हैं ऑप्शन बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंट तो नहीं होता है बिकॉज में क्या है हाई इंटरकोरिलेशन एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है सो so, पर आपका ऑप्शन बी इन करेक्ट हो जाएगा

डी लेकिन ये टोटली आपका नहीं होगा मल्टी कोलिटी का मतलब बट उनके बीच में जो रिलेशन है वो हाईली इंटर को रिलेशन होना चाहिए वो हाईली एक दूसरे से आ, उनके बीच में हाईली इंटर को रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे से उनके बीच में को रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए तब आप कहोगे

The advertising claim that that most car owners who have gave an opinion believe that brand A has the best quality is an example of dash. Which is dash. इस क्वेश्चन में, में है। और एग्जांपल किस ऑप्शन का एग्जांपल होगा अब इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई जिसमें कुछ कार ओनर्स का कुछ कार ओनर्स थे उन्होंने बताया कि कौन से ब्रांड कितने किसकी कौनसी ब्रांड की क्वालिटी कितनी अच्छी है So, यहाँ पर ओनर्स ने कहा कि ब्रांड ए जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बेस्ट क्वालिटी है नाइन परसेंट कार ओनर्स ने कहा ब्रांड बी की क्वालिटी बहुत अच्छी है सिक्स परसेंट ने कहा कि दूसरे जो अदर्स मॉडल है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है सो so, इस केस में बस इतने ही लोगों का रिस्पांस आया इतने ही लोग ने रिस्पांस करा देन उसके बाद एक एडवर्टाइज कंडक्ट करा गया एक एडवर्टाइज की गई और जिसमें एडवरटाइज में ये बताया गया कि जो ज्यादातर जो कार ओनर्स है उन्होंने ये कहा उनका बिलीव ये है उनकी ओपिनियन ये है तो जो ब्रांड ए है ब्रांड ए की कार जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है सो ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा तो तो ये तो पर कंफर्म है जो रिसर्च की गई है वो करेक्ट वैसे की गई रिसर्च में रिसर्चर कोई बायस नहीं है क्योंकि रिसर्चर ने ये बताया, बताया कि रिस्पॉन्स करा, हाँ करा है आप इनको टोटल करिए टेन सिक्स नाइन परसेंट को बस इतने ही लोगों का इतने ही कारओनर का रिस्पॉन्स था तो ये ट्वेंटी हो गया लेकिन सेवेंटी परसेंट ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं करा तो इस केस में रिसर्चर ने यह भी बताया है कितने लोग ने रिस्पॉन्स करो कितने लोग ने रिस्पॉन्स नहीं करा अब इसके बाद एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया एक एडवर्टाइज में ये बताया गया कि कार ओनर्स जो थे उनका ओपिनियन ये था कि जो ब्रांड ए है सिक्वलिटी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर रिसर्च में कोई बायस नहीं किया गया रिसर्च एथिकल थी रिसर्च में सच सच्चाई थी जो सच था रिसर्च ने पूरा बताया गया लेकिन यहाँ पर जो एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया उसमें उन्होंने अनएथिकल वे से मतलब झूठ अच्छी है, 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 है लेकिन ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं था क्योंकि रिस्पॉन्स तो ही नहीं था तो इस केस में जो आपकी एडवर्टाइज होगी एडवर्टाइज आपकी मिसलीडिंग रिपोर्टिंग होगी मिसलीडिंग मतलब आपको कुछ रॉन्ग दे दे देना कुछ false information दे देना कुछ कुछ फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना जो कि अनएथिकल है ये सच्चाई नहीं है ये ट्रुथ नहीं है तो so, यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा मिसलीडिंग रिपोर्टिंग एंड अनएथिकल सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू टूमोरो